हेलो जू, कैसे हैं आप लोग। सो आज हम बात करने वाले हैं कॉइन स्विच विद कुबेर, और इसके बारे में हम सारी जानकारी हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर आपको लॉगिन कैसे करना है, केवाईसी कैसे करनी है, क्या लेआउट है, किस तरह से हम इसके अंदर फंड्स ऐड करें और ट्रेड कैसे कर सकते हैं इसके अंदर। साथ में अपना पोर्टफोलियो देखेंगे, साथ में अगर हम रुपये निकालना चाहें तो किस तरह से ये सारे ऑप्शंस हैं वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो कॉइन स्विच डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप उसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे इससे क्या बेनिफिट होगा, तो बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लिंक के थ्रू डाउनलोड करते हैं तो आपको 50 रुपीज़ के जो बिटकॉइन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप इसके अंदर लॉग इन करके KYC करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ के जो बिटकॉइंस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो जैसे आप लिंक ओपन करते हैं तो आपको ये जो जैसे आप विंडो देख रहे हैं यहाँ पर आप पहुँचेंगे। मैं यहाँ पर जाके गेट इट ऑन गूगल पे कर देता हूँ, एंड यहाँ पे जैसे मेरी तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है मैंने, तो आप यहाँ से जाके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन होते ही देखिए इस तरह से आपको लेआउट सबसे पहले ही देखने को मिलेगा। तो ये मोबाइल नंबर मांग रहा है मेरा, तो मैं इसको मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, एक मिनट। तो जैसे ही मैंने मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं ये मेरे से पिन मांग रहा है, कोई पिन सेट करो। तो मैं बेसिक अभी तो नॉर्मल पिन सेट कर देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो दो बार इसने करने के बाद मैं ओके। सो मेरा जो पिन है वो सेट हो चुका है। एंड यहाँ पे अब सबसे पहले मैं आपको एक बार लेआउट की बात कर लेते हैं अपन की, लेआउट में क्या क्या मिलता है। तो नीचे सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको होम मिलेगा, इस जगह आप देख रहे हैं होम है। उसके बाद में पोर्टफोलियो, बीच में गिफ्ट वाला ऑप्शन है, थर्ड नंबर पे इसमें यहाँ पे मार्केट है, और उसके बाद में प्रोफाइल। तो हम सबसे देखो, जैसे मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया तो वहाँ पे जो है ये KYC नॉट कम्प्लीटेड दिखा रहा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले KYC करेंगे। KYC करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है यूज़र वेरीफिकेशन, यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखो तीन ऑप्शन है, तीन तरह से आपको वेरीफिकेशन करना पड़ेगा। बहुत कम टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें वेरीफिकेशन करने के, बहुत आसान तरीका है क्योंकि काफ़ी अच्छी ऐप है और काफ़ी अच्छा तरीके से आप वेरीफिकेशन कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आ रहा है इसमें बेसिक वेरीफिकेशन। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डालिए, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, और उसके बाद में वेरीफाई कर दीजिए। 1 2 मिनट में वेरीफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर पर पैन कार्ड वेरीफिकेशन, ये आप जैसे क्लिक करेंगे तो उस देखिए मैंने जैसे अभी पहले वाले डिटेल्स हैं वो फुल नहीं करी हैं तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये तो बहुत बेसिक है, आप पैन कार्ड वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और आईडी कार्ड वेरिफिकेशन में आप क्या है, अपना जो आधार कार्ड है उसकी फ्रंट और बैक की फ़ोटो करके आप आसानी से वेरीफिकेशन कर सकते हैं। सो मैं एक बार वेरीफिकेशन कर लेता हूँ। तो मैंने इसकी जो KYC है वो कंप्लीट कर ली है, जैसे आप देख पा रहे हैं 100% जो है कंप्लीट हो चुकी है KYC। आप KYC कंप्लीट करने के बाद में पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐप का जो लेआउट है वो कंप्लीट करवा देता हूँ कि किस किस तरह पर क्या क्या ऑप्शन आपके काम के हैं। तो सबसे पहले ही जैसे मैंने नीचे होम पे क्लिक किया तो होम में आपको बेसिक सारी चीज़ें दिख जाएंगी। सबसे पहले आपकी जो टोटल वर्थ है वो दिख जाएगी, यहीं पे आपको दिखा रहा है बाय बिटकॉइन और डिपॉजिट INR, मतलब अगर आपको रुपये इसमें डालने हैं वो मैं आप लोग आपको बताऊंगा। उसके बाद में KYC स्टेटस मेरा बता रहा है कि हाँ भाई आपने KYC जो है कंप्लीट कर ली है। वॉच लिस्ट, ये वॉच लिस्ट होती है, वॉच लिस्ट मतलब ये कि आपकी कोई फेवरेट जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसको आप इस वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, जो भी फेवरेट हो वो अभी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है बिटकॉइन, मैंने बिटकॉइन को क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने बिटकॉइन को क्लिक किया तो सबसे पहले ही देखिए आपको फ्रंट में जो ये लाइंस दिख रही हैं ये ग्राफ है, ये इसका ग्राफ दिख जाएगा। अब ग्राफ दिखने के बाद में ऊपर देखिए यहाँ पर करंट में बाई प्राइस, मतलब अगर आप बिटकॉइन परचेज करते हैं तो किस प्राइस में बिटकॉइन जो है अभी कर सकते हैं। जैसे आज जो प्राइस है बिटकॉइन का जो है 37,91,119, ये इस समय करंट प्राइस है बिटकॉइन की। और अगर यूजुअली देखें तो कितना 0.84% की जो ग्रोथ है इस समय चल रही है, आज दिन का हाईएस्ट, मतलब आज क्योंकि अभी मैंने इसको देखो नीचे आप देख रहे हैं ये डे पर सेट कर रखा है। अगर मैं इसको वीक पे सेट करता हूँ तो यहाँ पे वीक आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे वीक आ गया है। मंथ पे सेट करता हूँ तो मंथ, तो कुल मिला के ये है कि आपको बिटकॉइन की कब की रेंज देखनी है। जैसे मैंने आज की दिन देखी कि भाई आज का जो दिन है वो बिटकॉइन का कैसा रहा, तो फर्स्ट मैंने आज देखा आज का दिन वन डे। अब यहाँ पे आज के दिन हाईएस्ट कितना गया है, हाईएस्ट गया है 38 लाख, और अगर लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट ही गया है 36 लाख के समथिंग। तो ये इसने यहाँ दिखा दिया। उसके बाद में अगर ऊपर देखो, जैसे आप ये स्टार देख रहे हैं ना, तो मैंने अभी आपको बताया था जो विश लिस्ट होती है उसका मतलब ये है कि भाई ये देखो एडिट टू विश लिस्ट आगे नीचे,
इसका मतलब ये होता है कि मैंने इसको विशलिस्ट, मतलब मेरा फेवरेट जो कॉइन है वो बिटकॉइन बन गया है। अब मैं इसको आसानी से वैसे भी देख सकता हूँ अलग से। तो यहाँ पर ये पोर्टफोलियो दिखा रहा है, इसके बाद में ऑर्डर्स एंड हिस्ट्री, तो मैंने कितने बिटकॉइन खरीदे या फिर कितने बेचे वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखिए लगभग 9 रुपये का जो बिटकॉइन है वो परचेस किया था, तो यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो में भी आपको दिख जाएगा करंट वैल्यू जो है वो 9 रुपये थी, और जो बिटकॉइन है BTC वो ये हैं जितने यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है वो आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अबाउट बिटकॉइन, तो ये बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा बता रहा है कि मार्केट की जो रैंक है वो 1 नंबर पर है, मार्केट कैप इस समय कितना चल रहा है, कैलकुलेटिंग सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है इस समय, और उसके बाद में ट्रेडिंग एक्टिविटी की भाई कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं कितने परसेंट और कितने परसेंट लोग इसको बाय कर रहे हैं, फिर उसके बाद में बिटकॉइन के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल है। अब क्या है, अब अपन को इसके अंदर क्या करना है कि मैंने आपको ये लेआउट बता दिया, थोड़ा सा बैक चलते हैं 1 मिनट के लिए। ओके, बैक आ गए, अब हम वापस होम पे आ चुके हैं। सो सेम जो चीज़ें हैं, पॉपुलर करेंसी यहाँ पे दिख रहा है, तो पॉपुलर करेंसी मतलब ये है कि इसमें सारी जितने भी पॉपुलर करेंसी इस समय हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कॉइन स्विच TV है, यहाँ पे जो कॉइन स्विच से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह जो भी होंगी वो आपको देखने को मिल जाती है। जैसे इस समय शिवा एनू को कॉइन स्विच ने अभी रिसेंटली ही लिस्ट किया है, तो उसके बारे में जो लाइव इन्होंने न्यूज़ दी है तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये नीचे इनका जो ब्लॉग सेक्शन है वो पूरा है, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। तो ये था सारा होम के अंदर। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो यहाँ पे है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्लिक करता हूँ, तो पोर्टफोलियो में क्या है, यहाँ पर जितना भी है वो मेरा दिखाया जाएगा कि भाई अब मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, मैंने कितने रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं अभी जो मैंने, मतलब जैसे मैंने 10 रुपये लगाए हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मैंने 10 रुपये लगाए थे, मेरे अभी इस समय वो 8 रुपये हो गए हैं घट के, और मेरा जो लॉस चल रहा है वो 10% का लॉस चल रहा है। तो अभी जैसे मैंने अभी आपको बिटकॉइन दिखाया था ना, देखो नीचे आ गया, यहाँ देखो आप, यहाँ पे आपको बिटकॉइन दिख जाएगा कि बिटकॉइन 9 रुपये का है। देखिए बिटकॉइन जैसे मैंने ओपन किया तो वो ओपन हो गया था, रुको, सो ये 9 रुपये का है, पॉइंट इतने लॉस पे चल रहा है, मिनिमम है, और यहाँ पे ये बिटकॉइन की जो वैल्यू है। तो ये आपका पोर्टफोलियो रहेगा, मतलब जितने भी आप करेंसीज खरीदेंगे तो एक तरह से आप एक ही सिंगल विंडो पे अपनी सारी जितनी भी करेंसीज हैं उनके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं, और यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। जैसे मैंने 10 रुपये का बिटकॉइन खरीदा है, 10 रुपये का यहाँ पर बिटकॉइन खरीदा, साथ में अगर एथेरियम और शिवा वगैरह जब अगर मैं खरीद लेता हूँ तो यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाता, साथ में ये आ जाता कि टोटल जितनी भी चीज़ें मैंने खरीदी हैं उनके क्या 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 वैल्यू उस समय चल रही है। तो ये मैंने आपको पोर्टफोलियो बता दिया। उसके बाद में मैं बात करूँगा यहाँ पर मार्केट की। जैसे ही मैंने मार्केट क्लिक किया तो मार्केट में आपको सारी जितनी भी करेंसीज इस पे लिस्टेड हैं उन सारी करेंसीज़ का हाल पता चल जाएगा। जैसे बिटकॉइन है, इंच है, टेरा है, नैनो है, तो जैसे हम टेरा का ही देखते हैं। अभी मैंने टेरा ओपन किया, मैंने आपको बताया था ये ग्राफ है, करंट इसकी बाय प्राइस ये है। अब मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना एक दिन के ग्राफ बताएगा, यहाँ पे एक वीक है, एक मंथ और एक ईयर। अब मैं जैसे 1 ईयर पे गया, ओके, मैंने 1 ईयर पे सेट किया कि भाई एक ईयर में कि कितना क्या इसका रहा हिसाब, तो यहाँ पे देखो ऊपर दिख रहा है 1 ईयर हाईएस्ट, तो मतलब हाईएस्ट तो कितना गया है 8,247 रुपये, और लोएस्ट कितना गया है 49 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक साल पहले इसके अंदर मतलब इसको परचेस कर लेता तो मुझे कितना बेनिफिट मिलता, लगभग 14,412% का बेनिफिट मिलता मुझे। तो ये इस तरह से आप ग्राफ को जो है रीड कर सकते हैं। सो ये नीचे की चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि लूना किस तरह की करेंसी है। तो इस तरह से आप ये चार्ट जो है इसका देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको खरीदें कैसे। तो खरीदने के लिए देखो नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है बाई और सेल दोनों ऑप्शन है, तो अभी हमें बाई करना है। तो बाई करने के लिए जैसे मैं क्लिक करूँगा, ओ तो ये हमसे बैंक अकाउंट के डिटेल्स पूछ रहा है, तो मैं इसमें ऐड बैंक अकाउंट करता हूँ अपना। तो मुझे यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर कन्फर्म करना पड़ेगा, IFSC कोड, जो बेसिक डिटेल्स हैं वो देनी पड़ेंगी। सो मैं वो एक बार दे देता हूँ। तो बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने मेरे ईमेल पे कोई OTP भेजा है, तो मैं एक बार OTP चेक कर लेता हूँ मेल पे, उसके बाद में बताता हूँ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा बैंक वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम फंड ऐड करते हैं। तो फंड ऐड करने के लिए मैं बैक जाऊँगा, यहाँ पर जो मार्केट लिखा हुआ है, इसके बाद में यहाँ पर जो होम लिखा हुआ है, होम में आप देख पा रहे हैं जैसे डिपॉजिट INR हो, आप ये करिए। इसके बाद में मुझे कितने रुपए लेने हैं, तो मैं अभी 100 रुपये ही ले लेता हूँ क्योंकि मुझे 100 रुपये का ही परचेस करना है। तो मैं डिपॉज़िट करता हूँ इसको। डिपॉज़िट करने के बाद में तो देखिए डिपॉज़िट करने के बाद में आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो आ जाते हैं, तो किस तरह से आप डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो UPI आप बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन जो है इस समय वो UPI रहेगा। तो मेरे पास जो ऐप्स हैं उसके थ्रू आप देख सकते हैं। तो मैं गूगल पे से एक बार इसके अंदर डिपॉज़िट कर लेता हूँ।
तो जैसे आप देख पा रहे हैं प्रोसेसिंग हो रहा है अभी, एंड प्रोसेसिंग अभी देखते हैं कब तक ये बोल रहे हैं। ठीक है ओके, सो डिपॉजिट ऑफ 100 इज़ सक्सेसफुली, गो बैक जाते हैं हम। और राइट, इस समय देखिए आप मेरा जो बैलेंस है उसको दोबारा चेक करते हैं एक बार, वेट करिए। यहाँ पे मैं होम में गया, देखिए ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर 109 108, बिकॉज वो बिटकॉइन में भी लगे हुए ना, तो टोटल वर्थ दिखा रहा है। पोर्टफोलियो में आप जाइए, ये यहाँ पे देखिए टोटल INR बैलेंस 100 रुपीज़। सो ये हमने डिपॉजिट कर लिए हैं। अब अगर आपको कुछ भी परचेज़ करना है तो आप सीधे, सिंपल है बिल्कुल, मार्केट में जाइए। मार्केट में आपको जो भी परचेज़ करना है, जैसे रिसेंटली अभी मैंने बताया था आपको शिवा इनु जो है वो आई है, तो SHIBA शिवा इनु, बिल्कुल परफेक्ट ऊपर ही आ रही है, मैंने क्लिक किया तो शिवा इनु का पूरा ग्राफ देख सकते हैं। ये 1 डे का, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, तो यहाँ पर मैं बाई करने का कोशिश करता हूँ। यहाँ मैंने बाई क्लिक किया, अच्छा ओके। सो इसमें जो शिवा इनु आया है वो रिस्क वार्निंग मीटर के साथ में आया, तो ये बोल रहा है कि भाई अभी इस समय मत लो, हाई रिस्क है। सो मैं नेक्स्ट करता हूँ, हाईली वोलेटाइल है, आई अंडरस्टैंड, गॉट इट। सो अब आप ये बोल रहा है कि भाई आपको जो शिवा इनु है वो कितने रुपए का ख़रीदना है, मेरे पास तो इस समय नीचे लिखा हुआ है 100 रुपये हैं, आप कितने का ख़रीदना चाहते हो। तो मैंने बोला कि भाई मुझे 100 रुपये का ही शिवा इनु दे दो। सो प्रीव्यू बाई बोल रहा है नीचे, देखिए यहाँ पर वो आपको दिखा रहा है कि भाई आपको 100 रुपये पे करने हैं, ऑर्डर इंस्टेंट है आपका। टोटल हमको कितने शेवा मिलेंगे, 36,503 शेवा जो हैं वो हमें मिल जाएंगे। बाय वेन प्राइस इज इतनी, मतलब इस समय शेवा की जो प्राइस है वो इतनी चल रही है, 0.002739 इस समय चल रही है, मुझे मिलेंगे इतने शेवा। तो नीचे क्लिक करना है बस मुझे बाई, और जैसे ही मैं बाई पे क्लिक करूँगा सिंपली मेरा जो शेवा इनु है मैं परचेस कर लूँगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं कि भाई मैंने रुपए लगा दिए इसके अंदर, आपने सारा ट्रेडिंग वगैरह भी कर लिया, जैसे पोर्टफोलियो भी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बिटकॉइन वगैरह भी ले रखे हैं, तो अगर जैसे मान लो आपने काफ़ी सारा अच्छा खासा मुनाफा ले लिया, अब इसको निकालेंगे कैसे। निकालने के लिए पता क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, जहाँ पर ये आपका है ना टोटल INR बैलेंस, मैं नीचे देखो पोर्टफोलियो के अंदर हूँ, ऊपर आपको दिख रहा है टोटल INR बैलेंस, इसको क्लिक करना है। यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है, आप नीचे जैसे देखेंगे तो डिपॉजिट और विदड्रॉ, परफेक्ट। विड्रॉ को आप जैसे ही क्लिक करेंगे भाई आपको कितने रुपए निकालने हैं, जैसे आप अमाउंट डालिए अभी मेरे जैसे 100 रुपये हैं, तो मैंने 100 रुपये ही किए, वेट 100 रुपये किए, यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन है। जैसे ही मैंने विड्रॉ को क्लिक किया, विड्रॉ को क्लिक करते ही मेरे पास ये ऑप्शन आता है कि 100 रुपीज़ वुड बी विड्रॉन टू द बिलो बैंक अकाउंट, जो मैंने बैंक अकाउंट पहले वेरीफाई करवाया था उस बैंक अकाउंट में हमारे रुपए आ जाएंगे। कंफर्म करते ही जो रुपए हैं, अभी मुझे नहीं डालने हैं बट मैं आपको बता रहा हूँ, कंफर्म करते ही वो रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। सो बहुत ईजी है, इसके साथ में थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड कीजिए, आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। और कॉइन स्विच विद वेयर जो है बहुत अच्छी ऐप है, बिकॉज एक तो इंडियन है, साथ में सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही आसानी से नज़र आ जाती हैं, जो ग्राफ है बहुत इजी है इसको समझना, जैसे मैंने आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।